ओम शांति, नमस्ते। आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम विशेष 8 पावर्स यानी कि अष्ट शक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। परंतु इस सत्र को शुरू करने से पहले एक मिनट के लिए हम राज्यों का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो चलिए एक मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं। शांति। राज्यों के सत्र में हम जीवन जीने की कला को सीखेंगे। राजयोग हमें ऐसी कला सिखाता है जीवन जीने की कि जिससे हम अपने जीवन में अगर कोई कमजोरी है तो उसके ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझो कि किसी को शारीरिक बीमारी है या शारीरिक कमजोरी है तो वो उस कमजोरी के पराधीन हो जाता है, परवश हो जाता है और उस कमजोरी की वजह से और कई सारी बीमारियों का शरीर में प्रवेश ना संभव हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा आज के युग में पराधीन या परवश होना। हर इंसान चाहता है स्वाधीन जीना, स्वाधीन होना। आज के युग में हर इंसान अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत कॉन्शियस है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अपने शरीर में कोई बीमारी ना आए उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉक पर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, डाइट का ध्यान रखते हैं ताकि कोई भी बीमारी प्रवेश न करे, कोई शारीरिक कमज़ोरी ना आ जाए। परंतु क्या इतनी ही जागृति आत्मा की शक्ति के लिए है? आत्म जागृति कितनी है? क्योंकि आज के युग में मनुष्य आत्माओं की जो शक्ति है वो बहुत ही कम हो गई है, कमजोरी आ गई है आत्मिक शक्ति में, मन की शक्ति कम हो गई है। और तभी कई लोग कहते हैं कि मेरी बस एक ही कमज़ोरी है कि मुझे छोटे छोटे बात में जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये कौन सी कमज़ोरी है? क्या शारीरिक कमज़ोरी है? नहीं, ये आत्मा की कमज़ोरी है। जैसे हम शारीरिक कमज़ोरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु आत्मा की कमज़ोरी अगर है, समझो ये आत्मा ही ड्राइवर है इस शरीर को चलाने की। तो जो इस शरीर को चला रहा है उस शक्ति में अगर कोई कमज़ोरी आ जाए तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसी के ऊपर तो ये शरीर चलता है। तो आत्मिक शक्ति आज मनुष्य की क्षीण होती जा रही है। चाहे गुस्सा हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे लालच हो, चाहे अहंकार हो, लोभ हो, मोह हो, ये सारी आत्मा की कमज़ोरियाँ हैं। और आज इंसान इन कमज़ोरियों के वश, विकारों के वश होते जा रहा है। और तभी तो हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते आए हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, या अल्लाह, हमें शक्ति दीजिए। ये कहते हैं ना, अब शक्ति कौन सी चाहिए? क्या बाहुबल की शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने के लिए शक्ति चाहिए? नहीं, आत्मिक शक्ति की बात है। जब आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो जो ये सूक्ष्म कमज़ोरियाँ हैं, मन की कमज़ोरियाँ हैं, मैं सूक्ष्म तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देती है जीवन में,
तो ये जो मन की कमजोरियां है, मन की बीमारियां है, इसके ऊपर हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आत्मिक शक्ति, आत्मा की पावर बढ़ी हुई है तो। और जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो आत्मा के अंदर की कमजोरियों का विनाश होता है और उसकी जगह सद्गुणों का संचार होता है। और जब सद्गुण अपने जीवन में आते हैं तो ये जीवन महक उठता है, खुशबू फैलाता है। और इसीलिए इस शक्तियों की जो चाहना है, परमात्मा शक्तियों की चाहना हर एक इंसान को अपने जीवन में रहती है। लेकिन वो कौन सी शक्तियाँ हैं, मुख्य रूप से ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिसके होने से बाकी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो आज हम विशेष अष्ट शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इन शक्तियों के विषय में हम देखें तो हम अपने भारतीय संस्कृति में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, उसमें से विशेष नवरात्रि का त्यौहार जिसमें हम नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। ये नौ दुर्गा कौन थी? तो इनको शिव शक्ति भी कहा गया है, लेकिन शिव शक्तियों को अष्ट भुजाधारी दिखाया गया है। आठ भुजा जो शक्ति का प्रतीक है उसको शारीरिक रूप में प्रदर्शित किया गया है। दूसरी ओर देखें तो रावण को दस शीश दिखाए गए हैं। ये दस शीश कौन से हैं? अहंकार का शीश, यानी कि शीश जो है वो अहंकार का प्रतीक है। जब भी कोई इंसान बहुत अभिमान में होता है या अहंकारी होता है तो हम क्या कहते हैं? देखो तो सिर चढ़ा के फिर रहा है, अपना सिर कितना ऊंचा लेकर घूम रहा है, कहते ना ऐसा। तो सिर जो है वो अहंकार का प्रतीक है। और आज के युग में हर नर और नारी को ये दस शीश जो रावण के है वो लग गए हैं। ये दस शीश जो दिखाए गए हैं वो प्रतीक है कि पांच विकार पुरुष के और पांच विकार स्त्री के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बीमारियाँ, जब अहंकार आ जाता है तो उसके पीछे सारी ये कमजोरियाँ आना शुरू हो जाती है। वास्तव रूप में कोई ऐसे दस शीश वाला मनुष्य था नहीं या ना होता है, परंतु वो एक प्रतीक है। अब देखिए, आपके सामने अगर दस शीश वाला कोई इंसान आ जाए तो कैसा दिखेगा? तो उसी प्रकार से ये जो शीश दिखाए गए हैं दस, वो विकार के प्रतीक है कि पांच विकार पुरुष के और पांच विकार स्त्री के। और आज हम देखें हर नर नारी में ये पांच विकार देखने को मिल रहे हैं। और तभी आज के संसार में गृहस्थ परिवार टूटते जा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे सामने अष्टभुजाधारी देवियों की यादगार भी है। क्यों ना हम इन आसुरी वृत्तियों को खत्म करने के लिए इन अष्ट शक्तियों को अपने अंदर डेवलप करें। शक्तियों का प्रतीक भुजा दिखाया गया है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर हमें मदद चाहिए, बल चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? जरा अपना हाथ बटा दीजिए। यानी कि भुजा जो है वो शक्ति का प्रतीक है और इसीलिए देवियों के आठ हाथ दिखाए जाते हैं। इतना ही नहीं, हर एक हाथ में एक एक दिव्य शस्त्र दिया है, वो भी दिव्य शक्ति का ही प्रतीक है। ये शस्त्र जो दिखाए गए हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि देवियाँ जो थी वो हिंसक थी, नहीं, ये शक्तियों का प्रतीक है। और आठ हाथ वाला या आठ भुजाओं वाला कोई इंसान होता नहीं है, ये शारीरिक रूप में शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए दिखाया जाता है। तो वो कौन सी अष्ट शक्तियाँ थी जिससे इन देवियों ने इस संसार से आसुरी वृत्तियों को ख़त्म किया? तो सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे वृक्ष को पत्थर मार रहे हैं और वृक्ष रिटर्न में फल दे रहे हैं। जिस वृक्ष के ऊपर फल होते हैं वो सदा फैला हुआ और झुका हुआ होता है और उन्हीं को पत्थर मिलते हैं। जिस वृक्ष पर फल नहीं हो उसे कौन पत्थर मारना चाहेगा? वैसे ही संसार में भी उसी को सहन करना पड़ता है जिसके अंदर फल है, यानी कि विशेषताएं हैं। तो अगर कोई पत्थर मारता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम विशेष हैं और सहन उसी को करना पड़ता है।
तो अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपके पास जो अच्छाई है, जो फल है, वो उसको चाहिए, सामने वाले को चाहिए, तो प्रदान करो ना। जो वो आपको इतना सम्मान दे रहा है, उनके पत्थर मारने में भी आपका ही सम्मान है, क्योंकि पत्थर मार के वो आपको ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पास तो फल नहीं है, परंतु आपके पास है जो हमें चाहिए, तो ये हमारा ही सम्मान हुआ ना। तो सहन उसको ही करना पड़ता है इस संसार में, जिसके पास विशेषता है, कुछ अच्छाई है या फल है। और ये फल स्वयं के लिए नहीं होता, बांटने के लिए होता है। यहाँ मुझे वो सुंदर भजन की लाइन याद आती है, जिसमें कहा है कि पेड़ न खाते अपना फल, नदियाँ न पीती अपना जल। तो जब कोई आपको पत्थर मार रहा है, तो समझिए आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। जहाँ तक एक बात है, जैसे लकड़हारा होता है और वो किसी एक पेड़ को जब काटने जा रहा है, तो वही पेड़ उसको पहले छाया देता है, तो कितनी सहन शक्ति हुई। सहनशीलता जो है, वो दो शब्द से बना हुआ है, सहन और शील। शील यानी कि चरित्र। जो व्यक्ति सहन करता है, उसका चरित्र निखरता है। जितने भी इस दुनिया में महान आत्माएं होकर गई हैं, उन्होंने बहुत ही सहन किया है। सहन करने से सक्सेस भी मिलती है। तो हम देखें कि जैसे कि महात्मा बुद्ध की एक बात मुझे याद आती है, कि एक बार महात्मा बुद्ध जी तपस्या में बैठे हुए थे, और तभी एक इंसान आता है और वो उनको बहुत सारी गाली देने लगता है, बहुत लंबे समय तक उनको गाली देता है। और फिर जब महात्मा बुद्ध जी कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते, तो थोड़ा और नज़दीक जाके गाली देने लगता, और फिर 1 घंटे के बाद जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, तो महात्मा बुद्ध जी से वो कहता है, क्या आपने सुना मैं क्या कह रहा हूँ कब से? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भाई, तू वो दे रहा है जो तेरे पास है, परंतु इनमें से मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं है, तो मैंने लिया ही नहीं। आप किसी को कुछ चीज़ दो, कोई भी चीज़ आप किसी को देते हो, और वो इंसान वो चीज़ न ले, तो वो किसके पास रहेगी? आपके पास रहेगी ना, स्वयं के पास रहेगी। तो ये बात सुनकर वो जो व्यक्ति था, वो बिल्कुल ही बदल गया, और फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका स्पेशल यानी कि बहुत करीबी शिष्य बन गया। क्योंकि उसने सोचा कि 1 घंटे से मैं किसको गाली दे रहा था, स्वयं को गाली दे रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहन शक्ति से हम किसी को भी झुका भी सकते हैं। सहन करना कायरता नहीं है, तो दूसरों को झुकाने का आधार भी क्या हुआ? सहनशीलता। और सहन करना ये कायरता नहीं है, अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना है। लेकिन इस सहन शक्ति को विकसित करने का आधार क्या है? तो उसके लिए दो गुणों की आवश्यकता होती है, एक प्रेम और दूसरा क्षमा। प्रेम भाव और क्षमा भाव, ये दोनों को होना चाहिए अगर ये शक्ति को विकसित करना है। जैसे कि हम देखें कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता है, तो बच्चा कैसे भी हरकत करे, परंतु माँ उसको उसके साथ प्रेम है, इसलिए उसको क्षमा कर देती है। और इसकी जगह अगर कोई और बच्चा हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो, तो आज हमारा प्रेम भी परसेंटेज में हो गया है, जबकि प्रेम हमेशा सदा रहता और सबके लिए समान होना चाहिए। तो प्रेम भाव और क्षमा भाव अगर है, तो सहन शक्ति विकसित हो सकती है। अगर हम याद करें कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया, तो उनको कितना पहले टॉर्चर किया गया था और उन्होंने कितना सहन किया, फिर भी इतना सारा टॉर्चर करने के बाद भी अंत में उन्होंने जब क्रॉस पर चढ़ाया गया, तो यही प्रार्थना की ईश्वर से। उन्होंने कहा, ओ गॉड, इन सब को माफ़ कर देना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो सोचिए कितना प्यार है, कितनी क्षमा भावना है, और तभी आज दुनिया उनको याद करती है। तो जब प्रेम भाव और क्षमा भाव के अंदर में कमी होगी, तो कौन सी कमजोरी आने की संभावना है? तो क्रोध आने की संभावना है। जैसे कि जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा, तो परशुराम जी हिल गए और वो आए
और श्री राम को बहुत उलट सुलट कहने लगे। बहुत देर तक उन्होंने ऐसा वैसा कहा, परंतु श्री राम ने क्या किया, श्री राम ने बहुत मधुर वचन से, प्रेम भाव और क्षमा भाव से परशुराम जी को अपनी बातों से, मधुर वचन से जीत लिया। प्रेम की मूर्ति बनकर, क्षमा की मूर्ति बनकर उन्हें अपने मधुर वचन से कहा कि हे परशुराम, आप तो परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूँ, आप कितने बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसा कहकर उनको जीता भी, उनको शांत भी कर दिया और अपने अस्तित्व का भी एहसास करा दिया। तो सहन शक्ति एक महानता है। फिर सहन शक्ति के साथ साथ एक और शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति। जैसे एक समुद्र होता है, वो सारी नदियों का पानी अपने अंदर समा लेता है। अब नदियाँ तो कचरा लेकर के भी आती है ना, परंतु समुद्र ऐसा नहीं कहता कि अपना कचरा मेरे अंदर मत डाल, वो सबको समाता है। लेकिन समुद्र कचरे को भी अपने अंदर नहीं समा लेता है, वो अपनी लहरों के द्वारा उस कचरे को बाहर फेंक देता है, अंदर नहीं रखता, और कुछ भारी होगा तो वो अपने अंदर समा लेता है। ठीक इसी प्रकार लोग सहन तो कर लेते हैं परंतु समाते नहीं है, तब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि हम परिवारों में देखें कि सास और बहू है, सास ने कुछ डांट दिया बहू को, तो बहू उस समय सुन लेती है, कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है, सहन कर लेती है। पर फिर गड़बड़ कहाँ होती है कि वो पड़ोसी के पास जब बात करने जाती है तो वहाँ सब कुछ कह देती है कि आज मेरी सास ने मुझे इतना सारा डांटा। फिर जब वो बहू कहीं बाहर जाएगी काम के लिए तो पड़ोसी तो होते ही है मुफ्त की सलाह देने के लिए, तो वो आ जाते हैं और फिर वो सास को कहते हैं कि देखिए वो बेचारी छोटी है, वो मन भारी हो जाता है, आप ऐसे मत उसको डांटा कीजिए, ऐसे नहीं बोला कीजिए। तब वो सास पूछती है, आपको कैसे पता चला हमारे घर की बात? तो फिर वो पड़ोसी कहती है कि वो आई थी बेचारी अपने मन को हल्का करने के लिए। अब सोचिए, जब वो बहू घर पे आएगी तो सास और बहू के बीच का सीन क्या होगा, वाइब्रेशंस क्या होंगे, रिश्ते कैसे बदल जाएंगे। तो सहन तो कर लिया परंतु समाया नहीं, तो यहाँ पर रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो जितना जो सहन पहले किया था वो भी पानी में फिर गया, कोई मतलब नहीं रहा। तो समाने की शक्ति को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। समाना मना ये नहीं अर्थ हुआ कि किचड़ा भी अपने अंदर समा लो। कई लोग कहते हैं कि हम तो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, परंतु इस कान से निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में दिमाग है, यहाँ पे जाता, यहाँ पे अटक जाता है, और फिर मन सोचता है, उन बातों का मंथन करता है। और जब कचरे का मंथन होगा तो क्या होगा, बदबू ही आएगी ना, सुगंध तो आनी नहीं है, तो बदबू आएगी, और यहाँ से नहीं निकलने की जगह यहाँ से निकल जाता है, और फिर हम कहते हैं गलती से सरक गया। तो वो सरकेगा ना, अगर आप चीज़ों को यहाँ से अंदर भरोगे तो वो होगा ही ना। तो कचरे को अंदर जाने ही नहीं देना है, अपने अंदर उसको नहीं समाना है, बातों को संभालो और सुना अनसुना कर दो, उसको अंदर मत जाने दो, उसका मंथन मत करो। अच्छा, कई बार कईयों की आदत होती है कि वो पड़ोसियों को या फिर किसी व्यक्तियों को जाकर कहते हैं कि मैं अपने अंदर की बात आपको बता रही हूँ, आप किसी को मत बताना, आप इस बात को समा लेना। अब आप सोचिए, मैं खुद अपनी बात को अपने पेट में या अपने मन में नहीं समा पाई, तो क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति अपने पेट में ये बात रखेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए समाने की शक्ति को बढ़ाना है। तो समाने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से दो गुणों की आवश्यकता है? तो एक है हृदय की विशालता और गंभीरता। जैसे समुद्र हृदय की विशालता और गंभीरता से अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, तो ये दो गुण जो है वो ये समाने की शक्ति को दृढ़ बनाता है। लेकिन अगर अपने अंदर हृदय की विशालता नहीं है या गंभीरता नहीं है,
तो कौन सी कमजोरी के प्रवेशता होने के चांसेस है? तो चांस है ईर्ष्या आने का, ईर्ष्या की बीमारी लगने का चांस है। क्योंकि कई बार होता है किसी की बात आई हमारे पास तो हम उस बात को तोड़ मरोड़ मिक्स करके ईर्ष्यावश फिर उसको किसी और को डिलीवर करते हैं क्योंकि समा नहीं पाते हैं। इसलिए ईर्ष्या नाम की बीमारी जन्म लेती है अगर हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं है। और ये दो गुण नहीं है, हृदय की विशालता और गंभीरता अगर नहीं है तो ईर्ष्या आ जाती है। अच्छा, कई बार कई लोग कहते हैं कि हम तो ईर्ष्या नहीं करते, पर कई लोग होते हैं जो हमारी बहुत ईर्ष्या करते हैं, हमें हमारे बारे में बहुत उलट सुलट बातें करते रहते हैं। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें? अब आपका जो भाग्य है वो आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से और आपने अपनी मेहनत से बनाया है। ये श्रेष्ठ भाग्य जो आपका बना है वो ना उनके बोलने से बना था और ना उनके बोलने से बिगड़ेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपका भाग्य कोई भी व्यक्ति इस संसार का कभी बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई उसको हिला सकता या बिगाड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं हैं। भगवान भी अपने हमारे बनाए भाग्य को नहीं बिगाड़ सकते। कैसे? जैसे शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं कि असुर भी जब तप करते थे तो देवताएं, देवों का जब तप करते थे, पूजा करते थे, तो देवताएं प्रसन्न हो जाते थे और उनको कोई ना कोई वरदान देते थे। और फिर वो असुर उन वरदानों का गलत तरीके से यूज़ करता था, तब देवताएं भी ये कह देते थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको हराने के लिए किसी शक्ति को जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि हमारे कर्म से, हमारे श्रेष्ठ कर्म से बनाए भाग्य को किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि हमारे भाग्य को बिगाड़ सके। परंतु कई बार जब ईर्ष्या करने वाले ऐसे कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं जो हमारे बारे में उलट सुलट बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम फिर नेगेटिव सोचना उस व्यक्ति के बारे में शुरू कर देते या फिर बदले की भावना अगर आ गई तो फिर हम अपने भाग्य पर लकीर लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। कहते हैं ना, हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में होता है, यानी कि हमारे हाथ में है, किसी भी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं। इसलिए बिल्कुल बेपरवाह रहो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, निश्चिंत रहो। उसके साथ साथ एक और शक्ति है, परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी होता है, उसे समझ होती है हीरो को परखने की, वो बहुत आसानी से हीरो को परख लेता है, ये समझ लेता है कि ये असली हीरा है या ये नकली हीरा है या ये इमिटेशन वाला हीरा है। और फिर वो अपनी उस नॉलेज के आधार पर बाजार में फिर वो हीरो की कीमत रखता है। पर अगर उस हीरो को परखने की शक्ति अगर किसी में नहीं है तो वो फिर नकली हीरो के हार को भी असली हीरा समझ लेगा। जैसे कि एक मैं अपने जीवन की बात बताती हूँ, मैं बहुत छोटी थी, लाइक 5-7 ईयर्स की थी। तब जब हमारे बगीचे में गार्डनिंग हो रही थी, माली वो सब खोद रहा था, तो उसमें से मैं वहाँ घूम रही थी तो मुझे एक छोटा सा क्रिस्टल मिला चमकता हुआ, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं बहुत छोटी थी ना, तो ऐसी चमकती हुई चीज़ देखकर कोई भी बच्चा खुश हो जाता है। और फिर मैं घर में गई, क्योंकि ये तो पता था कि हीरा बहुमूल्य होता है, तो घर में जाकर मैंने कहा, देखिए मुझे असली हीरा मिला। क्योंकि परख नहीं है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से परखने की शक्ति जो है वो आज के युग में तो बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हो गई स्थूल हीरे की बात, परंतु इस कलयुग के संसार में ऐसे भी कई लोग हैं जिसके चेहरे के ऊपर एक और मुकुटा बना हुआ है, हम पहचान नहीं पाते अगर ये शक्ति नहीं है तो। और परख शक्ति अगर नहीं है तो फिर बार बार व्यक्तियों से धोखा खाने की संभावना हो जाती है। जैसे हम देखें कि रामायण में ये कहानी में वर्णित है कि श्री सीता जी रावण को नहीं पहचान पाए, ये नहीं पहचान पाए कि साधु के वेश में कौन आया हुआ है और उसकी वजह से क्या हुआ, वो आगे की कहानी तो आप जानते ही है। मदद करना ये अच्छी बात है,
सबको मदद करना चाहिए, परंतु उस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अपनी मर्यादाओं को लांघ करके, अपनी लिमिट को क्रॉस करके, संयम और नियम या मर्यादाओं को क्रॉस करके किसी को मदद करना अच्छी बात नहीं होती है, उसमें हमारा ही नुकसान होता है। तो अगर परखने की शक्ति को हमारे अंदर डेवलप करना है, बढ़ाना है, तो किस गुण की आवश्यकता है? पहला विवेक युक्त बुद्धि और दूसरा विचारों की स्पष्टता। विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा हम बातों को एनालाइज करें और विचारों की स्पष्टता होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मन कन्फ्यूज्ड रहेगा, विचारों में कोई स्पष्टता नहीं होगी, तो हम उस चीज़ को ठीक से परख नहीं पाएंगे। जैसे कि एक कैमरा होता है, उसमें फोकस नहीं होगा तो जो चित्र है वो क्लियर नहीं दिखाई देगा, और क्लियर नहीं दिखाई देगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा चित्र है। तो किसी भी चीज़ में विवेक को यूज़ करना, हर बात को एनालिसिस करके, फिर उसको समझ करके फिर आगे बढ़ना और विचारों की स्पष्टता होना। परंतु आज के व्यक्ति भौतिक चीज़ों के उसमें प्रभाव में बहुत आ जाते हैं, भौतिकवाद में बहुत आ जाते हैं, और उसकी वजह से उस चीज़ को परख नहीं पाते और फिर धोखा मिल जाता है। इसलिए विवेक युक्त बुद्धि और दूसरा है विचारों की स्पष्टता। अगर ये दो गुण हमारे अंदर है तो हम परखने की शक्ति को डेवलप कर सकते हैं। परंतु अगर ये दोनों गुणों की कमी है तो कौन से कमज़ोरी के शिकार बन जाएंगे? मोह के शिकार बन जाएंगे। इसलिए इन दोनों गुणों को अपने अंदर भरना है और मोह के ऊपर जीत पाना है, क्योंकि फिर और सारी चीज़ों में मोह होने लगेगा तो फिर परख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे और विवेक शून्य हो जाएंगे। और तभी आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमारे विवेक की शक्ति को बढ़ाता है। तो हर रोज़ आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अंदर भरना है ताकि हमारी विवेक शक्ति जो है वो बढ़े और परखने की शक्ति का संचार हो। जब परखने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो कौन सी एक और शक्ति हमारे अंदर आती है? निर्णय की शक्ति, समय सूचकता। यानी कि किसी चीज़ को परखा नहीं सही और वो समय बीत गया और उस समय जो निर्णय लेना चाहिए था वो हम नहीं ले पाए, और समय बीत जाने के बाद हमें एहसास होता है, महसूस होता है कि अगर उस समय ये कर दिया होता तो अच्छा होता, तो ये आज ये नुकसान नहीं होता था। परंतु एक बार वो समय निकल गया फिर क्या, तो उस पर समय को नहीं परखा तो परखने की शक्ति यूज़ नहीं हुई, तो उसके बाद में जो निर्णय करने की शक्ति है वो भी नहीं आ सकती, क्योंकि परखा नहीं तो सही निर्णय हम नहीं ले पाएंगे जिस समय लेना होगा। तो निर्णय शक्ति के लिए कौन से दो बात, कौन से दो गुणों की आवश्यकता होती है? यानी कि निर्णय कब यथार्थ हो सकता है? तो जैसे तराजू होता है, तो तराजू में हीरे रखो या पत्थर रखो, वो कब सही निर्णय होगा, यथार्थ देगा? जब बीज का कांटा जो होता है वो एकाग्र होगा। अगर कांटा थोड़ा सा भी झुका हुआ है तो सही तोल नहीं दिखाएगा। बिल्कुल वैसे ही जीवन में सही निर्णय लेने के लिए क्या ज़रूरी है? मन का एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मन का कांटा कहीं पर भी झुका हुआ है, जैसे कि कोई व्यक्ति ने कुछ कहा और हमारा उस व्यक्ति की तरफ थोड़ा भी प्रभाव गया, यानी कि मन का कांटा थोड़ा उस तरफ झुका, तो निर्णय जो है वो यथार्थ नहीं होगा, वो निर्णय गलत ही होगा। अगर निर्णय शक्ति को बढ़ाना है तो कौन से गुण की आवश्यकता है? एक है एकाग्रता और दूसरा है मन का संतुलन। अगर एकाग्रता होगी और मन का संतुलन होगा, किसी भी व्यक्ति वस्तु के विशेष के प्रभाव में हम नहीं आएंगे, संतुलन बना रहेगा, तो हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उस समय निर्णय अच्छे से और सही तरीके से ले पाएंगे। परंतु अगर निर्णय शक्ति जहाँ पर शक्तिशाली नहीं है, यानी कि कमज़ोरी कौन सी आ जाएगी? अगर निर्णय शक्ति हमारे अंदर ठीक से नहीं चल रही है तो अभिमान आ जाएगा। तो अभिमानवश फिर जो निर्णय ले लिया है, या देह भान में अगर कोई निर्णय ले लिया है, तो ये अहंकार रूपी कमज़ोरी हमारे अंदर घुस जाती है। और कई बार जब गलत निर्णय ले लेते हैं
तो हमें अंदर पता होता है पर हम उसको स्वीकार नहीं करते कि हाँ हमने गलत डिसीजन ले लिया। हमारे आसपास के लोग भी हमें कहते हैं कि तुमने गलत डिसीजन ले लिया है, परंतु हम कहते हैं नहीं, मैंने तो ठीक ही निर्णय लिया है। अंदर में तो हम भी जानते हैं कि हमने गलत किया है, परंतु हम वो मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि इस शक्ति के अभाव के कारण हमारे अंदर एक कमजोरी जन्म ले लेती है, अहंकार। अहंकार के वश हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमने गलती की है। इसलिए मन का संतुलन और एकाग्रता के ये दो गुणों को अपने अंदर भर कर निर्णय शक्ति को तेज़ करना है। तो अभी तक हमने चार शक्तियाँ देखी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। हर शक्तियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक और शक्ति के साथ। तो पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। ये शक्ति भी बहुत अद्भुत शक्ति है, परंतु इस शक्ति का इस्तेमाल कब करना चाहिए इसमें हम थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ सामना करके बैठ जाते हैं, और जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ सहन करके बैठ जाते हैं। तो कब सहन करना चाहिए और कब सामना करना चाहिए ये भी हमें बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि एक योद्धा हो, वो युद्ध के समय जहाँ तलवार का यूज़ करना है वहाँ ढाल का यूज़ कर ले, और जहाँ ढाल का यूज़ करना है वहाँ तलवार का यूज़ कर ले, तो क्या होगा, मरेगा ना, क्योंकि समझ से नहीं यूज़ किया। तो सामना किससे करना है और समाना किसको है ये समझ हमें डेवलप करनी होगी। तो व्यक्तियों के साथ समाने की शक्ति को यूज़ करना है, सामना नहीं करना है व्यक्तियों का, सामना परिस्थितियों का करना है। पर हम क्या करते हैं, व्यक्तियों से सामना कर देते हैं और परिस्थितियों को सहन करके बैठ जाते हैं, यही गड़बड़ करते हैं। व्यक्तियों को अंडरस्टैंड करके उनके साथ समाने की शक्ति को डेवलप कीजिए और सामना परिस्थितियों का करिए, हिम्मत से, परमात्मा शक्ति से कीजिए। क्योंकि अगर व्यक्तियों से सामना कर लिया तो फिर अकेले हो जाएंगे, तो ये भी स्पष्टता होनी चाहिए। परिस्थितियों का निर्भयता से, साहस के साथ सामना करना है। अब आगे बढ़ते हैं सहयोग की शक्ति। ये बहुत ही सुंदर शक्ति है। सहयोग का हम सब ने कभी ना कभी अनुभव तो किया है इस शक्ति का, कि कितनी बड़ी पावर होती है सहयोग की शक्ति में। इम्पॉसिबल बात भी पॉसिबल हो जाती है। सहयोग देना ये दैवी शक्ति है, और सहयोग नहीं करना ये असुरी शक्ति है। तो यहाँ मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार इंद्रदेव ने दावत रखी, तो उन्होंने देवताओं को भी बुलाया और असुरों को भी बुलाया। असुरों को लगा कि शायद इंद्रदेव ने हमारा अपमान करने के लिए ये कुछ प्लान किया है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम भोजन के लिए प्रथम बैठेंगे, पहली पंगत हमारी लगेगी, हम देवों का झूठ नहीं खाएंगे, झूठा नहीं खाएंगे। तो फिर इंद्रदेव ने कहा, पहले या बाद में क्यों करना, सब साथ में बैठेंगे। तो एक हॉल में असुरों को बिठा दिया, एक हॉल में देवताओं को बिठा दिया, और 36 प्रकार का भोजन परोसा गया। परंतु इंद्रदेव की यहाँ पे एक शर्त थी कि आप भोजन सीधे हाथ करेंगे, हाथ मोड़ना नहीं चाहिए, और इसलिए सबके हाथ पर लकड़ियाँ बांध दी ताकि हाथ मुड़े नहीं। तो असुर लोग कैसे खाने लगे, उछाल उछाल कर खाने का शुरू कर दिया, परंतु भोजन तो नहीं कर पाए, उल्टा ही पूरा हॉल गंदा कर दिया। इस तरफ देवताएं बहुत प्यार से भोजन कर रहे थे। कैसे, तो उन्होंने एक दूसरे के सामने बैठ गए और फिर एक दूसरे को सहयोग देकर भोजन कराना शुरू कर दिया। सीधे हाथ से एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं। तो ये होती है सहयोग की शक्ति। तो उन्होंने भोजन का आनंद भी लिया, पेट भर के भोजन भी किया। इस तरफ असुरों ने ना भोजन कर पाए और ही हॉल गंदा कर दिया और डिस्टर्ब भी हो गए, तो कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो सहयोग देना ये एक दैवी शक्ति है। तब से ये बात मानी गई कि सहयोग देना ये दैवी शक्ति और सहयोग नहीं करना ये असुरी बात हो जाती है। लोगों को सहयोग देने से हमारे अंदर दैवी लक्षण आते हैं और ये शक्ति का संचार और ही दृढ़ हो जाता है।
सहयोग की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष दो गुण कौन से चाहिए? तो एक प्रेम भाव चाहिए और दूसरा समझदारी चाहिए। अगर प्रेम होगा तो हम किसी भी व्यक्ति को सहयोग कर पाएंगे, और वो भी समझदारी के साथ सहयोग करना है। जैसे देवताओं ने समझदारी यूज़ की, बिल्कुल वैसे। तो सहयोग शक्ति को डेवलप करना है तो प्रेम भावना और समझदारी होना बहुत आवश्यक है। अगर इन दोनों की कमी है तो कौन सी कमज़ोरी जन्म ले लेगी? नफ़रत जन्म ले लेगी। तो हमें बहुत बचना है, नफ़रत और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो ये शक्ति यानी कि सहयोग की शक्ति को हमारे अंदर भरना होगा, डेवलप करना होगा, प्रेम भाव और समझदारी के आधार पर। और आगे बढ़ते हैं एक और शक्ति के साथ, संकीर्ण करने की शक्ति। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कछुआ। आप देखिए, वो अपनी इंद्रियों का विस्तार करके चलता है, परंतु जैसे ही आसपास कोई खतरा देखता है तो वो अपनी सारी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को संकीर्ण कर लेता है, जो हमें कर्मयोगी बनना सिखाता है। हमारे जीवन में हमें कर्म तो करने ही है, परंतु कर्म करते करते, इंद्रियों को फैलाते हुए भी, जब भी कोई आसपास कोई व्यर्थ बात होती है, कोई खतरा होता है, इन टर्म्स ऑफ अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने की बात होती है, तो अपने इंद्रियों को समेट लीजिए। इसके लिए चाहिए अंतर्मुखता और न्यारापन। ये दो गुण अगर होंगे तो संकीर्ण करने की शक्ति मजबूत हो जाएगी। चाहे कुछ भी आसपास हो रहा हो, जो गलत सलत बातें हो रही हो, अपने आप को उससे न्यारा कर लीजिए। प्यारा रहिए परंतु न्यारा रहिए, और अंतर्मुखता की गुफा में चले जाइए। जब अंतर्मुखता की शक्ति आ जाती है तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। तो संकीर्ण करने की शक्ति ये दो गुणों से डेवलप होती है, एक न्यारापन, न्यारा हो जाना तुरंत ही व्यर्थ से न्यारा, और दूसरा अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। तो अंतर्मुखता, ये दो गुण इस शक्ति को बढ़ाने के आधार है। और अगर ये दो गुण हमारे अंदर नहीं होते तो कौन सी कमजोरी जन्म लेती है? लोभ की कमजोरी। जैसे कि कोई लोभी आदमी होता है, वो कुछ नहीं देखता, सब ऐसे खुला दौड़ता रहता है, अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रखता है, तो क्या होगा फिर? खतरा होगा तो सारा नुकसान तो हमें ही होना है ना। तो लोभ को हमें इस संकीर्ण करने की शक्ति से जीतना है। अब आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। जैसे हमें कहीं बाहर गांव जाना हो तो हम क्या करते हैं? अटैची और सामान लेकर भर कर जाते हैं ना, पूरा घर तो उठा कर नहीं जाते। वैसे ही जीवन एक यात्रा है, हमें सद्गुणों की अटैची को अपने पास संभाल कर रखना है, या और ध्यान रखना है कि ये सद्गुण कहीं पे चोरी न हो जाए, और संग दोष से हमें अपनी संभाल करनी है। व्यर्थ को समेटने की ताकत को हमें डेवलप करना है। बहुत सारी ऐसी वैसी बातें तो होती रहती है, परंतु उन बातों को फैलाना या बड़ा नहीं करना है, तुरंत फुल स्टॉप लगा देना है, उस बात को समेट करके वापस नॉर्मल हो जाना है। अगर ये कला आ गई, फुल स्टॉप लगाना, तुरंत समेट लेना, ये कला अगर हम सीख गए तो हम वेस्ट से बच जाएंगे। व्यर्थ जो आजकल चलता रहता है ज़्यादातर, उससे हम बच जाएंगे, और व्यर्थ से बच गए तो हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो क्षीण नहीं होगी, वो और ही बढ़ेगी। तो ये हो गए समेटने की शक्ति। तो ये आठों शक्तियाँ आत्मा में होनी बहुत ज़रूरी है। जब ये आठों शक्तियाँ होती है तो हम रावण के 10 शीर्ष को इन अष्ट शक्तियों से काट सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसी भी कमज़ोरी हो, विकार हो, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में इतना सोचते हैं ना, बॉर्नविटा पीते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी आत्मिक शक्ति के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा ही है जो इस शरीर को चला रही है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं है तो आप चाहे कितना भी इस शरीर को तंदुरुस्त बना दो, मन विचलित रहेगा तो शरीर का सुख भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाना है और इन आठों शक्तियों को अपने अंदर जागृत करना है, डेवलप करना है। हमारे अंदर ये शक्तियाँ ऑलरेडी है, बस इसको इमर्ज करना है राजयोग के अभ्यास के द्वारा। जब हम रोज़ राजयोग का अभ्यास करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू करेंगे, अपने अंदर
पॉजिटिव कंटेंट ही कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो ये शक्तियाँ अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और परमात्मा जो सोर्स है शक्तियों का, वो तो हमेशा हमारे लिए रेडी है। वो पावर हाउस हमेशा लाइट्स और शक्तियाँ हमें देता रहता है, बस हम ही हैं जो भूल जाते हैं। तो कर्म योगी बनना है, कर्म करना है, व्यवहार में जाना है, परंतु आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा के साथ कनेक्ट रहना है और इन सारी शक्तियों को पूरे दिन में अपने अंदर भरते रहना है। तो राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो चलिए फिर से इस राजयोग का अभ्यास करते हैं। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाते हैं, बिल्कुल आराम से मन को शांत कर दीजिए। बाह्य सभी बातों से मुक्त हो जाइए। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। अपने आप को देखिए कि हम ज्योति बिंदु स्वरूप ब्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। अष्टभुजाधारी अष्ट शक्तियों से सुसज्जित आत्मा हूँ मैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है और मैं इन सारी शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। महसूस कीजिए कि हम अष्ट शक्तियों के यादगार थे। ये सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है। और इन शक्तियों को मुझे और आत्माओं के ऊपर लुटाना है। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा के ऊपर के सारे दाग, सारी कमजोरियाँ, सारे विकारों को दूर कर रही है। मैं बिल्कुल शुद्ध आत्मा, शक्तियों से पावरफुल आत्मा बन चुकी हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो आज के सत्र में हमने अष्ट शक्तियों के बारे में जाना और हम इन शक्तियों को अपने अंदर बार बार रिवाइज करते रहना कि हम इन शक्तियों से भरपूर आत्माएं हैं, और किस समय किस शक्ति का यूज़ करना है उसके बारे में भी जाना। तो ध्यान रखना है कि कब सामना करना और कब सहन करना, कब कौन सी शक्ति को यूज़ करना, ये भी विवेक को बढ़ाना है। तो हम इन शक्तियों को हमेशा अपने जीवन में यूज़ करते रहे और मानसिक बीमारियाँ कमजोरियों से हमेशा दूर रहे, यही शुभ भावनाएँ हैं। कल हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आपको जानने को मिलेगी, पूरी कहानी। परमात्मा कैसे आए, किसके तन का आधार लिया, कैसे ज्ञान सुना रहे हैं, ये सब कुछ उसमें वर्णित होगा। तो कल का सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में। ओम शांति। थैंक यू सो मच।